सोने के दाम में लगातार चल रही तेजी को ब्रेक लग गया है। आज शुक्रवार को सोने के दाम में गिरावट रही। 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत थर्सडे के कंपैरिजन में 500 रुपए तक कम हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का रेट 72,750 रुपए पर कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी 96,400 रुपए पर ट्रेड कर रही है। चलिए आपको बताते हैं देश के बड़े शहरों में सोने का रिटेल भाव क्या कुछ है। सबसे पहले अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, मई का आखिरी दिन है 31 मई 2024 को। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 66,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है, वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 22 कैरेट 66,690 रुपए प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम। अहमदाबाद की बात करें तो 22 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 66,740 रुपए प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट के लिए आपको चुकाने होंगे 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले चेन्नई की, तो 22 कैरेट 67,290 रुपए, 24 कैरेट 73,410 रुपए। कोलकाता 22 कैरेट 66,690 रुपए, 24 कैरेट 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम। गुरुग्राम और लखनऊ की बात करें तो 22 कैरेट के लिए 66,840 रुपए प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट के लिए 72,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। बेंगलुरु 66,690 रुपए, 24 कैरेट 72,750 रुपए। जयपुर 22 कैरेट 66,840 रुपए, 24 कैरेट 72,900 रुपए। इसके अलावा पटना में 66,740 रुपए 22 कैरेट के लिए और 72,780 24 कैरेट के लिए आपको चुकाने होंगे। भुवनेश्वर और हैदराबाद में 22 कैरेट के लिए 66,690 रुपए प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट के लिए 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो ये सोने के कुछ रिटेल भाव हैं जो आप जब भी सोना खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो निवेश के लिहाज से हो, चाहे वो ज्वेलरी के लिहाज से हो, आपको सोने चांदी के रेट पता होने चाहिए। अगर इस साल की हम लोग बात करें तो इस साल सोने का भाव अभी 31 मई तक 14% तक ऊपर जा चुका है। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि येलो मेटल के रेट फिलहाल थमने वाले नहीं है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उसकी भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घरेलू बाजार में सोने की डिमांड बनी हुई है, सोने के रेट में गिरावट के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इतना हो सकता है कि सोना 500 रुपए कभी ऊपर, 500 रुपए कभी नीचे, इस तरीके से सोने में आपको थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन जल्द ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना 81,000 रुपए का आंकड़ा छू सकता है। ऐसे में निवेशकों को मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने ये सलाह दी है कि सोने में गिरावट का थोड़ा सा इंतजार करें। गिरावट के दौरान अगर खरीदेंगे तो निवेशकों को फायदा होगा। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड के रेट 69,000 रुपए के आंकड़े पर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, तब आप खरीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा अनुमान है कि ये 81,000 का लेवल भी टच कर जाएंगे। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप डेली बेसिस पर सोने और चांदी के रेट जानना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें।